हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल्स। आज के इस वीडियो में हम सेटअप करेंगे एक कंट्रोल पैनल, जो कि वेब होस्टिंग कंट्रोल पैनल है। सी पैनल का अल्टरनेटिव है। तो हमारे पास है अभी यहाँ पर एक वीपीएस सर्वर, और उसमें इंस्टॉल करेंगे हम ए कंट्रोल पैनल, जो कि काफ़ी फास्ट है और अच्छा है। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, और चैनल पर अगर पहली बार आप देख रहे हैं तो उसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है कि हमें जो हमारा वीपीएस सर्वर है उसको लॉगिन कर लेना है आपको पुट्टी के थ्रू। सो ये मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया है पुट्टी के थ्रू। अगर आपको इतना नॉलेज नहीं है तो आप जस्ट पुट्टी ओपन करना है आईपी एड्रेस के थ्रू। वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये पुट्टी एक सॉफ्टवेयर है, इसको आप ओपन करेंगे। यहाँ पर आपको आईपी एड्रेस डालना है, पोर्ट नंबर डालना है, एसएसएच का जो डिफ़ॉल्ट रहता है, और उसको ओपन करेंगे। एंड उसके बाद जो भी आपके प्रोवाइडर ने आपको रूट यूज़र नेम पासवर्ड दिया है उसको आप डालेंगे, तो आपको ये फर्स्ट स्क्रीन यहाँ पर देखेगा। उसके बाद चलते हैं हमारा ए ए पैनल जो है उसके अंदर। ये ए ए पैनल की वेबसाइट है, इधर चाहिए तो आप इनका डेमो भी देख सकते हैं, और किस तरह से इंस्टॉल करना है वो इन्होंने पूरा यहाँ पर लिनक्स कमांड दिया हुआ है। सेंट ओएस के लिए, यूबंटू के लिए, डेबियन और दूसरे अदर्स फेडोरा के लिए भी इन्होंने दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कमांड को हम कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद हमारे कमांड पुट्टी के अंदर आएंगे, और यहाँ पर हमें सिंपली इसको पेस्ट कर देना है। बट इससे पहले अभी जो हमारा दूसरा प्रोसेस है कि इस सर्वर का जो आईपी हमें मिला है, हमें उसके डीएनएस रिकॉर्ड बनाना रहेगा और हॉस्ट नेम। सो मैं जाता हूँ मेरे डोमेन की तरफ, कि जिस डोमेन का हमें, ये मेरा एक डोमेन है, इसके अंदर हमें डीएनएस नेम सर्वर भी बनाना रहता है। तो वो नेम सर्वर क्या है और उसको हम कैसे बनाते हैं, वो भी आप इसी में देख लीजिए। सो ये मेरे पहले के ऑलरेडी बने हुए डीएनएस रिकॉर्ड हैं, मैं इसी को अपडेट कर देता हूँ या फिर इसको डिलीट करके आपको न्यू बना के दिखा देता हूँ। सो सबसे पहले तो ये एक रिकॉर्ड है बना हुआ, मैं इसको एक डिलीट कर देता हूँ, पुराना है, और आपको एक नया रिकॉर्ड बनाता हूँ जो कि आपका हॉस्ट नेम की जगह काम करेगा। और साथ ही साथ मुझे इसका मेरा एक आईपी एड्रेस लगेगा, तो जो मुझे आईपी एड्रेस प्रोवाइड हुआ है मेरे सर्वर का, उस आईपी एड्रेस को भी मैं कॉपी कर लेता हूँ नोटपैड पर, और ये आईपी एड्रेस के थ्रू मुझे ऐड ए रिकॉर्ड मुझे ऐड करना रहेगा। ए रिकॉर्ड में मैंने लिख दिया इधर सुपर, और यहाँ पर मैंने दे दिया इसका आईपी, इसको क्रिएट कर दिया। सो ये ऑटोमेटिकली इस आईपी से पॉइंट हो गया, आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पर ये क्रिएट हुआ। और वैसे ही साथ में मुझे करना है डीएनएस नेम रिकॉर्ड। सो ये मेरे ऑलरेडी क्रिएट है, सो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये ए रिकॉर्ड है, या फिर आप मॉडिफाई कर लीजिए, तो मैं यहाँ पर मॉडिफाई कर लेता हूँ। खाली आपको जो भी इधर NS1, NS2, NS10, 11, 12 जो भी देना रहता है वो दे देते। अभी हमें यहाँ पर एक ही आईपी मिला है, और हम दोनों रिकॉर्ड एक ही आईपी पर पॉइंट करेंगे। सो देखिए यहाँ पर ये जो है पॉइंट हो चुका है, और दूसरा रिकॉर्ड को भी मैं मॉडिफाई कर लेता हूँ, NS10 को भी सेम आईपी दे देता हूँ। तो दोनों रिकॉर्ड को आप सेम आईपी दे सकते हैं अगर आपके पास एडिशनल आईपी नहीं है NS1 NS2 के लिए। और अभी इसको टेस्ट करने के लिए मैं खोलता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट, और यहाँ से करते हैं पिंग NS10.10matrix.com। तो अभी इसने आईपी नहीं लिया है, ये समटाइम्स 2 से 4 घंटे भी लगाता है, और 24 से 48 घंटे भी। तो जब भी ये लेगा तो ये इस नेम सर्वर पर पॉइंट हो जाएगा, और इसको अभी हम क्लोज कर देते हैं, इसका हमारा काम हो गया। अभी हम वापस से आते हैं हमारे ए पैनल पर, ये स्क्रिप्ट को हमने कॉपी किया, और सिंपली यहाँ पर हमने इसको शॉर्ट की है शिफ्ट इंसर्ट, तो यहाँ पर ये कमांड आ जाता है। जैसे ही कमांड रन करेंगे तो ये जितने भी इंफॉर्मेशन है यस या नो में आपको देना होगा,
वो आप केयरफुली कर लीजिए। मैं इसको स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो देखिए ये कमांड हमने यहाँ पे पेस्ट किया है, और इसके बाद जो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, डू यू वॉन्ट टू इंस्टॉल ए पैनल इन द WW डायरेक्ट्री नाउ, तो इसको हमें यस करना है। यस पे क्लिक वाई दबाएंगे और ये डाउनलोडिंग शुरू कर देगा। तो इससे रिलेटेड जितने भी इसको इंफॉर्मेशन लगता है, लाइक द PHP का वर्जन हो या फिर पैथन हो और जिप हो, CGI स्क्रिप्ट हो, ये सब सारी चीज़ें वन क्लिक इंस्टॉलेशन पर वन कमांड के थ्रू ये ऑटोमेटिकली रन कर देगा। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए सर्वर को रन करने के लिए, एक कंट्रोल पैनल चलाने के लिए, वो यहाँ पर ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो रही है। सर्वर काफ़ी फास्ट है, अच्छे स्पीड से इधर इंस्टॉल हो रहा है। अगर आप सी पैनल से स्विच करना चाहते हैं किसी दूसरे सर्वर पर, तो आप ट्राई कर सकते हैं ए पैनल। काफ़ी सिंपल और लाइट वेट कंट्रोल पैनल है ये। इसका मैंने डेमो देखा था इनकी वेबसाइट पर, बट रियल लाइफ एग्जाम्पल जो है वो अभी हम आज कर रहे हैं VPS सर्वर के साथ। तो देखिए ए पैनल ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, डन स्टार्टिंग इन स्टॉपिंग। सो ऑलमोस्ट ये 5 to 7 मिनट्स लेता है इंस्टॉल करने के लिए। सो ऑलमोस्ट हमारे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इंस्टॉल हो चुकी है। सो देखिए यहाँ पर हमारा ये ए पैनल इंस्टॉल हो गया, और यहाँ पर ये उन्होंने यूज़र नेम पासवर्ड भी जनरेट करके दे दिया है। एंड आप देखेंगे कंग्रेचुलेशन इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली ये दिया मैसेज। उसके बाद ए पैनल का कंट्रोल पैनल का URL जो कि IP address:4484888, और उसके बाद ये हमारा यूजर नेम पासवर्ड, एंड इफ़ यू कैन नॉट एक्सेस द ए पैनल तो पैनल फॉलोइंग पोर्ट 8880 इन द सिक्योरिटी ग्रुप। सो अगर हमारा ये पैनल एक्सेस नहीं हो पाता है तो हमें यहाँ पर पोर्ट का सिक्योरिटी चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अभी हम क्या करते हैं, अभी हमारा ब्राउज़र ओपन करते हैं। हमारा जो IP address था, IP address को कॉपी करके एक :8888, प्लीज़ यूज़ द करेक्ट एंट्री टू लॉग इन टू द पैनल। सो यहाँ पे हमें एक वार्निंग मैसेज दिया है, फॉलोइंग कमांड SSH टू वेव द सिक्योरिटी PKC बाई डी डिफॉल्ट। सो मे बी इसके आगे स्लैश लगाकर हमें ये AF470300A ये देना रहेगा, AF470300A। सो ये हमारा लॉगिन डिटेल्स आ गया, ये इनका सिक्योरिटी की है जो फर्स्ट टाइम लॉगिन पे मिलता है। इसके बाद उन्होंने हमें यूजर नेम पासवर्ड दिया है जो कि काफ़ी रेंडमली जनरेट किया हुआ है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। सो कॉपी डायरेक्टली नहीं दिखा रहा है इसमें, मैं सिंपली Ctrl+C Ctrl करता हूँ एंड इसको अपने नोटपैड पर ले लेता हूँ। सो ये मेरा यूज़र नेम है जो ऑटो जनरेटेड मिला है, और इसके थ्रू अभी हम लॉगिन करेंगे। इस पे मैंने नोटिस किया कि SSL एक्टिवेट नहीं हुआ है कोई भी, ये हमारा IP विदाउट SSL दिखा रहा है। तो फर्स्ट टाइम जैसे ही ये ओपन हो रहा है तो हमें इसके अंदर का सेटिंग जो रहता है, जो सेटअप रहता है, वो यहाँ पर हमें पूछ रहा है LNMP में रिकमेंडेड क्या है, लिनक्स निंजास
का जो वर्जन है लेटेस्ट वर्जन शो हो रहा है, ये भी आई थिंक 5.7, 5.8, सो 5.6 बाय डिफॉल्ट दिया है, प्योर एफ पी टी एंड पी एच पी 5.6 अप टू 7 है, तो 5.6 ही रहने देता हूँ, बाकी एडिशनल पी एच पी हम इसमें इंस्टॉल कर लेंगे। एंड पी एच पी माई एडमिन भी इसमें दिया है 4.4 से 4.9 तक। एंड कंपाइलर मेथड फास्ट सेलेक्ट है, सो जस्ट वन क्लिक हम इसको इंस्टॉल कर देते, तो जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर इंस्टॉल हो जा रही, बैकग्राउंड में इंस्टॉल होती रहे। तो ये देखिए, ये यहाँ पर सर्वर का भी स्टेटस दिखा रहा है, कोर 4 कोर सर्वर है, 1 CPU, 4 कोर 3 8 CPU यूजेस, एंड मेमोरी यूजेस, कितना मेमोरी यूज हुआ है, यहाँ पर 8 GB रैम है, तो अभी ओनली 3.33 यूज हुआ है, एंड जो डिस्क स्पेस है वो 196 GB है, वो यहाँ पर दिखा रहा है कितना डिस्क हुआ है, काफ़ी अच्छा पैनल है। एंड द नोटिफिकेशन दे रहा है, द करंट पैनल यूज द डिफॉल्ट 8 8 8 पोर्ट विच हैज द सिक्योरिटी रिस्क, प्लीज मॉडिफाई द पैनल पोर्ट, नो इनसाइड चेंज नाउ। सो हम यहाँ पर ये एक सिक्योरिटी पोर्ट को चेंज कर लेते हैं, कि हमारा जो लॉगिन पोर्ट है, ये आई थिंक सेटिंग में से पूरी सारी चीज़ें दिया है, टर्न ऑफ पैनल एंड पैनल SSL इनेबल नहीं है, API इनेबल नहीं है, एंड डेवलपर मोड, ऑफलाइन मोड, गूगल ऑथेंटिकेशन फॉर सिक्योरिटी प्लीज चेंज द अलाइज डिफॉल्ट पोर्ट। सो डिफॉल्ट पोर्ट जो है इसमें 888 है, टाइम आउट पैनल यूजर। सो सबसे पहले हम इसको मॉडिफाई करते हैं, समथिंग लाइक टू 083, जो कि सी पैनल का पोर्ट है, 2087, हम इसको यहाँ पर 2087 दे देते हैं और इसको कंफर्म कर देते हैं। प्लीज रन द प्रोग्राम व्हेन ऑल इंस्टॉलेशन, तो हमें पहले SSH से एक BT कमांड, ये इन्फॉर्म कर रहे हैं कि BT कमांड रन करना पड़ेगा सिक्योरिटी पोर्ट को रिलीज करने के लिए। सो BT कमांड क्या है वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं, इन्होंने कुछ कमांड के एग्जांपल दिए हुए, जैसा चेंज पोर्ट इन इको, तो हमारे पास कमांड लाइंस है, तो हम सबसे पहले इसको कॉपी कर लेते हैं एक लाइन को, एंड हमारे पुट्टी में आते हैं और इसको शिफ्ट इंसर्ट देते हैं, और यहाँ पर हमने जो पोर्ट यूज़ किया है वो हमारा सी पैनल WHM का डिफ़ॉल्ट पोर्ट यूज़ किया है 2087, एंड इसको एंटर करते हैं। सो ये BT टास्क, BT पैनल, BT ट्रैक्स कंप्लीट हो गया सक्सेसफुली, एंड नेक्स्ट स्टेप जो दिया है फायरवॉल CMD, इसको भी एक बार रन कर लेते हैं और एक लास्ट वाला भी रन कर लेंगे, शिफ्ट इंसर्ट, ये भी सक्सेसफुल हो गया। तो ये हमारा ए पैनल कम्प्लीटली इंस्टॉल हो गया है, और यहाँ पर आई थिंक एक बार लॉग इन एंड लॉग आउट करना पड़ेगा, और इसको भी मैं SSL को भी इनेबल कर देता हूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी हम लॉग इन करेंगे तब SSL सर्टिफिकेट के साथ हो, तो इसमें SSL सर्टिफिकेट लेट्स इनक्रिप्ट की तरफ से मिल रहा है, तो
इसको हम दे देते हैं एडमिन ईमेल आईडी। सो एडमिन ईमेल आईडी में जो डिफॉल्ट ईमेल आईडी हमने प्रोवाइड किया हुआ है उसी को हम यहाँ पर यूटिलाइज करते हैं एंड सबमिट। वेदर टू ओपन द ओपन एसएसएल सर्टिफिकेट, कंप्लीट नहीं हुआ, मुझे आई थिंक वापस से रिपीट करना रहेगा। सेल्फ सेम लेट्स इनक्रिप्ट यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है, एसएसएल इनेबल नहीं हो पा रहा है और वो एरर भी डिस्प्ले नहीं हो पा रहा है प्रॉपरली, जिससे कि थ्रू हम आगे पता कर सके कि क्या इशू है। सो एसएसएल सर्टिफिकेट को हम लेटर ऑन इंस्टॉल करेंगे। अभी हम देख लेते हैं इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है। सो अभी हमारा जो है, जैसे ही हमने रीलोड किया, हमारा पोर्ट जो है चेंज हो गया 2087। सो माइट बी कि हमारा एसएसएल सर्टिफिकेट इसलिए इंस्टॉल नहीं हो रहा होगा। सो फ्रेंड्स, ये हमारा ए पैनल जो है कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुका है। इसके नीचे ये आप देखेंगे माई एस क्यू एल है, पीएचपी, एफटीपी, और ये इनका ट्रैफिक का स्टेटस तो एक जो दिखा रहा है। इसके साथ अभी हम चलते हैं कि हमारे ऐप स्टोर में इसने क्या-क्या इंस्टॉल किया है। सो यहाँ पर ये ऑल ऐप दिखा रहा है, निंजेक्स, अपाचे, पीएचपी के डिफरेंट डिफरेंट वर्जन, और ये नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिख जाएंगी। सो अभी जो हमारे सर्वर पे जो इंस्टॉल हुआ है वो कॉमनली चार चीज़ें हैं, निंजेक्स है, माई एस क्यू एल है, पीएचपी 5.6 है, एंड प्योर एफटीपीडी है एंड माई एस क्यू एल है। सो एसक्यूएल का एक मैं इसका पीएचपी का एक आपको लेटेस्ट वर्जन जो है वो इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं हम यहाँ पर। ये पीएचपी की डायरेक्टरी है जहाँ पर पीएचपी इंस्टॉल होता है। तो फाइल मैनेजर का भी लुक एंड फील अच्छा है, रिमोट रिमोट डाउनलोड एंड रूट डायरेक्टरी, ये डायरेक्टली फाइल मैनेजर पे जंप हो गया। सो बट हमें क्या करना है कि अभी हमें जो डिफॉल्ट हमारा पीएचपी है 5.6 जो आउटडेटेड हो चुका है, अभी हम लेटेस्ट पीएचपी 7.3 या 7.2 को इंस्टॉल करना है। सो सेटिंग में भी ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो काफ़ी सारी न्यू चीज़ें हैं इस कंट्रोल पैनल में। बाकी कंट्रोल पैनल बहुत इजी है। यहाँ पर ये देखिए एक वेबसाइट का ऑप्शन है, यहाँ पर ऐड साइट आप करेंगे तो डायरेक्टली आप न्यू कोई भी साइट को होस्ट करना है वहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। डोमेन का यहाँ पर नाम देना है और देखिए इंस्ट्रक्शन में देना है ए डोमेन पर लाइन, द डिफॉल्ट पोर्ट इज 80 एंड वाइल्ड कार्ड के लिए हैश। डिस्क्रिप्शन में आप दे सकते हैं एफटीपी क्रिएट करना है तो एफटीपी भी, एंड डेटाबेस माई एसक्यूएल, एसक्यूएल सर्वर एंड पीएचपी, यहाँ पर एक ही वर्जन है बाय डिफॉल्ट जिसको अभी मुझे इंक्रीज करना है, एंड उसके बाद में आप डिफॉल्ट कैटेगरी वो भी आप दे सकते हैं, एंड वेबसाइट आपका होस्ट हो जाएगा न्यू डोमेन। एंड जो मैंने डोमेन अभी पॉइंट किया था, आप देख सकते हैं कि इस डोमेन पर भी इस पोर्ट के साथ ये पैनल कंप्लीटली अपडेट ले लिया है। सो दोस्तों, इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट्स में हमें पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हैव ए नाइस डे। गॉड ब्लेस यू। गुड बाय।